रही थी, परसों हाथ का औजार कहाँ था। ये बयान सुनकर कुछ याद आया आपको? ये लालू के विधायक हैं, इन्होंने माँ दुर्गा का अपमान किया तो लालू यादव ने तो कुछ नहीं कहा और ना ही कोई एक्शन लिया, लेकिन जनता ने सबक सिखा दिया। लोगों ने लठ लेकर ये कह दिया कि दोबारा घर लौटकर मत आना, यानी कि लालू के विधायक की घर में एंट्री बैन हो गई। जिस जनता ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया उसी जनता ने उन्हें दौड़ा लिया। दरअसल रोहतास जिले के डिहरी विधानसभा से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह की माँ दुर्गा पर की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ पूरे बिहार में राजद विधायक के बयान पर सियासत गर्म है तो वहीं गांव वाले भी अब विधायक का जमकर विरोध कर रहे हैं। फतेह बहादुर के घर डिहरी विधानसभा के दुर्गापुर गांव में गांव वालों ने मेन गेट पर ही पोस्टर टांग कर राजद विधायक की एंट्री बैन कर दी। पोस्टर में गांव वालों ने स्थानीय विधायक की तुलना एक जानवर से करते हुए गांव के मुख्य द्वार पर एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर लिखा है, राजद विधायक फतेह बहादुर का गांव में प्रवेश वर्जित है। पोस्टर को लेकर गांव वालों ने बताया, फतेह बहादुर को बड़ी उम्मीदों से जिताकर विधानसभा भेजा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारी माँ दुर्गा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है उससे हम काफी आहत है। हम सभी ने निर्णय लिया है कि हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो हमारी भावनाओं को आहत करे। वहीं अमन दुबे का कहना है, स्थानीय विधायक की ओर से माँ दुर्गा को लेकर दिए गए से युवाओं में खासा आक्रोश है। विधायक ने सनातन धर्म के खिलाफ बोला है, इसे किसी भी कीमत पर युवा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर वो इस गांव में आते हैं तो निश्चित तौर पर उनका विरोध किया जाएगा, उनकी गांव में एंट्री नहीं होने दी जाएगी। विवाद की जड़ यहां से शुरू हुई जब विधायक फतेह बहादुर सिंह ने विजयदशमी के दिन सोशल मीडिया पर माँ दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। राजद विधायक ने माँ दुर्गा को काल्पनिक बताते हुए महिषासुर को अपना पूर्वज और यादव समाज का न्यायप्रिय राजा बताया। राजद विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने माँ दुर्गा पर और कई अमर्यादित टिप्पणी करते हुए राम को भी गौतम बुद्ध के बाद का बताया, साथ ही पूजा पाठ को फिजूल खर्ची करार दिया, लेकिन जनता ने उन्हें तगड़ा सबक सिखा दिया। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।